एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डाइट कुंडली। कैसे हैं आप सब? कोई आई होप आप लोग बहुत बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं हाई प्रोटीन हाई फाइबर लो कैलोरी वेट लॉस डाइट प्लान। इस डाइट प्लान की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मैंने जो भी रेसिपीज को ऐड किया है उन्हें बनाना बहुत आसान है। विद इन 30 to 45 मिनट्स में सारी रेसिपीज बनकर रेडी हो जाती है। साथ ही साथ ये एक ग्लूटेन फ्री डाइट प्लान होने के कारण से जिन्हें ग्लूटेन सेंसिटिविटी की इश्यू है वो भी इसे फॉलो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे आज के इस डाइट प्लान को देखेंगे या फिर मेरे प्रीवियस डाइट प्लान या रेसिपीज को भी देखेंगे तो उसमें देखिएगा कि मैं बहुत ज्यादा तेल या फिर मसालों का इस्तेमाल नहीं करती हूँ किसी भी रेसिपीज को बनाने के लिए। अगर हम रेसिपी में बहुत ज्यादा तेल ऐड करेंगे तो कैलोरीज बढ़ जाएगी रेसिपी की, और अगर हम रेसिपी को बनाने के लिए उसमें बहुत ज्यादा स्पाइसेस का इस्तेमाल करेंगे तो बेसिकली वो हमारे डाइजेशन को खराब कर देता है। सो जब भी आप घर में खाना बनाते हैं तो कोशिश करिए कि खाना हल्का होना चाहिए, उसमें कम स्पाइसेस ऐड करने हैं। अभी मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। अगर आप मान लीजिए कि डेली आप बॉइल्ड फूड ले रहे हैं या फिर आप स्प्राउट्स खा रहे हैं या फिर कम मसाले वाला खाना खा रहे हैं तो देखिएगा कि आपको सुबह से लेकर शाम तक एनर्जी रहती है। वही बहुत ज्यादा तेलीय पदार्थ वाले खाने खा रहे हैं, फ्राइड फूड खा रहे हैं या तो फिर आप बहुत ज्यादा मसाले ऐड कर रहे हैं किसी रेसिपी में तो उससे सुस्ती आ जाती है। सो खाना खाते वक्त कोशिश हमेशा यही रखिएगा कि खाना जो है वो हल्का रहना चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर आप न्यूट्रिशन रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, जैसे कि कौन से फूड हेल्दी है, कौन से फूड अनहेल्दी है, हमें ऐसे कौन कौन से फूड को अपने डाइट में ऐड करना चाहिए जिससे कि वेट लॉस में हेल्प हो सके, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, ऐसे कौन से फूड खाएं जिससे कि हमारी स्किन क्लियर रहे, उसके लिए आप यू आर वॉट यू ईट बुक समरी को रिफर कर सकते हैं। यू आर वॉट यू ईट बुक समरी को आप कुकू FM ऐप के थ्रू सुन सकते हैं। कुकू FM ऐप ये एक इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। फ्रेंड्स, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप न्यूट्रिशन रिलेटेड ऑडियो बुक्स या फिर हेल्थ रिलेटेड ऑडियो बुक्स या फिर फिटनेस रिलेटेड ऑडियो बुक्स की बुक समरीज को आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में सुन सकते हैं। यानी अगर आपको मान लीजिए कि कोई बुक हिंदी में सुनना पसंद है तो आप उस बुक की समरी हिंदी में सुन सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी बुक की समरी इंग्लिश में सुनना पसंद है तो आप उसमें सुन सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वेट किस बात का, तुरंत कुकू FM ऐप को आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। और फ्रेंड्स, मेरे दिए हुए अगर आप इस कूपन को यूज करते हैं तो फर्स्ट 250 यूजर्स को कुकू FM ऐप के सब्सक्रिप्शन में 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। बेसिकली कुकू FM ऐप का सब्सक्रिप्शन फॉर 1 या 399 रुपीज है, जो कि आपको केवल 199 रुपीज का ही पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, सारे लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, आप चेक जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के सैंपल डाइट प्लान में हमें सुबह से लेकर शाम तक में क्या क्या खाना है। सबसे पहले तो हमें दिन की शुरुआत पानी के साथ करनी चाहिए। कम से कम 2 ग्लास भरकर पानी ज़रूर लीजिए। सो रोज़ कम से कम 2.5 लीटर से लेकर 3 लीटर तक का पानी पीने की कोशिश ज़रूर करिएगा। अब चलिए हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट में हम लेंगे हाई प्रोटीन मूंग सलाद की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर हाफ कप फुल मैं यहाँ पे सोक्ड मूंग ले रही हूँ फ्रेंड्स। सो ये अखा मूंग है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो येलो वाला पीला वाला मूंग दाल है ना, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इस रेसिपी को आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं या फिर चाहे तो आप इसे डिनर में भी आप ले सकते हैं। सो अगर आप सोक्ड लेंगे तो 100 ग्राम लेना है, रॉ ले रहे हैं तो 50 ग्राम लेना है, और उसको वॉश करके ओवरनाइट सोक करना है। अभी मैंने पैन में पानी ऐड किया है करीब 1 कप के आसपास। इसमें अभी मैं जो सोक्ड मूंग है ये मैं ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा नमक ऐड करके इसे हमें एक 10 मिनट तक कुक करना रहेगा। फ्रेंड्स, हमें इसे एकदम पेस्ट की तरह कुक नहीं करना है, केवल ऐसे कुक करना है कि दानों को जब हम प्रेस करेंगे ना तो वह थोड़ा सा दबना चाहिए, एकदम पेस्ट की तरह नहीं होना चाहिए। सो ये परफेक्ट कुक हो गया है। अभी गैस के फ्लेम को ऑफ करके इसका पानी सेपरेट कर लिया है, मूंग को मैंने सेपरेट कर लिया है, और कुक्ड मूंग को अभी मैं एक बाउल में ऐड कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज फाइनली चॉप कर ली थी फ्रेंड्स, इसको मैं ऐड कर रही हूँ। ये नियरली 5 चम्मच के आसपास हमको फाइनली चॉप किया हुआ प्याज ऐड करना है। साथ में एक बड़े साइज़ का मैं टमाटर भी चॉप कर ली थी फाइनली चॉपर में, ये अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। एक मीडियम साइज़ का मैं कुकुम्बर या फिर ककड़ी ली हूँ, सो इसे भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। ये अभी हम इसमें ऐड करना है करीब 6 चम्मच के आसपास। ऊपर से फाइनली चॉप किया हुआ ग्रीन चिली और धनिया पत्ती इसके ऊपर मैं थोड़ा ऐड कर रही हूँ। साथ में थोड़ा सा मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, और अभी मैं नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। ऊपर से मैंने नमक नहीं ऐड किया है क्योंकि चाट मसाला में नमक रहता है, सो इसलिए नमक की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा नमक ऐड करना है तो बहुत कम डालिएगा।
और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हमारा एक हेल्दी झटपट बनने वाला जो मूंग सलाद है फ्रेंड्स, ये बनकर रेडी है। ये दो लोगों के लिए, यानी जितना बाउल भर के बना हुआ है ये दो लोगों के लिए है। सो सिंगल अगर आप अपने लिए ले रहे हैं तो आपको आधा लेना है। सो फ्रेंड्स, हमारा जो हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट है ये बनकर रेडी है। ये जो बाउल भरकर आप जितना मूंग सलाद देख रहे हैं ना, इसे आप अपने डाइट प्लान में ब्रेकफास्ट के टाइम पे इजीली ऐड कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मिड मॉर्निंग की, यानी 11:30 बजे। इस मोमेंट में चाहे तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं, या तो फिर आप उसकी जगह पर सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा कि आप सत्तू ड्रिंक लीजिए। चूँकि गर्मियाँ आ गई हैं और ये जो सत्तू ड्रिंक है ये बॉडी को ठंडा रखने का काम करता है और साथ ही साथ हाइड्रेट भी करता है फ्रेंड्स। सो सत्तू ड्रिंक को कैसे बनाना है, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी आप सभी के साथ शेयर की हुई है। इस वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स लंच की, तो लंच जो है ये करीब 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में कर लीजिएगा। लंच में भी हम एक झटपट बनने वाली रेसिपी लेने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं कि लंच में हम क्या क्या खाएंगे। सो लंच का अगर आप यहाँ पर प्लेट देख रहे हैं, तो लंच के प्लेट में मैंने दही लिया हुआ है, साथ में जो आधा पोर्शन मूंग सलाद का बचा हुआ था ये मैं लंच में ऐड कर रही हूँ। मॉर्निंग में ही ये रेसिपी बन जाने के कारण से जो भी आधा पोर्शन बचा हुआ था उसे मैंने फ्रिज में रख लिया था, ताकि लंच में ज़्यादा खाना बनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस प्रकार से आप चाहें तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना बनाकर भी आप फ्रिज में रख सकते हैं फ्रेंड्स, ताकि बाद में आप उसका यूज़ कर सकें। सो इससे आपका टाइम जो है ये काफ़ी ज़्यादा बचता है। और साथ में अभी हम यहाँ पर लेंगे एक हाई प्रोटीन चीला, तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि इस हाई प्रोटीन चीला को कैसे बनाना है। हाई प्रोटीन चीला बनाने के लिए मैं यहाँ पे रागी का आटा ले रही हूँ फ्रेंड्स। सो मैंने यहाँ पे 1/4 कप से कम रागी का आटा लिया हुआ है, ये 20 ग्राम्स का है। स्पून से बोलूँ तो करीब 2.5 चम्मच के आसपास हमको रागी का आटा लेना होगा। इसके साथ में प्रोटीन्स बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे बेसन ले रही हूँ। सो बेसन मैं यहाँ पे 25 ग्राम्स का ले रही हूँ, 1/4 कप फुल है। स्पून से बोलूँ तो करीब करीब 3.5 चम्मच के आसपास का हमको बेसन लेना पड़ेगा। अब हम इसमें कुछ सब्जियां ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने 4 चम्मच इसमें प्याज ऐड किया है, 4 छोटे चम्मच मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ, फाइनली चॉप किया हुआ मैं इसमें लहसुन ऐड कर रही हूँ, ऊपर से अब इसमें मैंने थोड़ा सा फाइनली चॉप किया हुआ धनिया पत्ती भी ऐड किया हुआ है, नमक ऐड करना है, हल्दी ऐड करना है और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है फ्रेंड्स, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स इसमें पानी बहुत ज़्यादा ऐड मत कर दीजिएगा, अदरवाइज चीला बनेगा नहीं। मैंने नियरली 1/4 कप से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी इसमें ऐड किया है। सो कोशिश करिएगा कि बैटर की कंसिस्टेंसी जो है ये कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए। अच्छे से इसे मिक्स करके 5 मिनट के लिए साइड में रख दीजिए और तवे को अच्छे से गर्म करके उसमें थोड़ा सा तेल लगा के ग्रीस कर लीजिएगा। और ये जो आप मिक्सर देख रहे हैं ना, इस मिक्सर से बेसिकली हम 2 हाई प्रोटीन चीला ईजिली बना पाएंगे फ्रेंड्स। सो मैंने स्पून फुल भर, नियरली 1.5 से लेके 2 स्पून फुल मैंने ये वाला बैटर लिया है और इसे मैं अभी पैन पे स्प्रेड कर दे रही हूँ। ऊपर से अब हमें इसमें तेल या घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे से इसे हमें प्रॉपरली दोनों साइड कुक करने में नियरली 5 मिनट का समय लगेगा। फ्लेम स्लो टू मीडियम फ्लेम में रखकर ही हमें इसे कुक करना है। सो फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे तो हमारा जो हेल्दी रागी बेसन का जो चीला है फ्रेंड्स, ये बनकर रेडी है। लंच में हम 100 ग्राम का दही ले सकते हैं, साथ में आधा पोर्शन जो मूंग सलाद का बचा हुआ है वो ले सकते हैं और 2 हाई प्रोटीन चीला हम हमारे डाइट में ऐड कर सकते हैं। ऊपर से दही में मैंने ना थोड़ा सा रेड चिली का पाउडर ऐड किया है और थोड़ा सा नमक ऐड किया हुआ। सो आप चाहें तो उसकी जगह पे चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। ये जो मील है ना फ्रेंड्स, इस मील में हमें प्रोटीन्स और फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में मिल रहा है। नियरली 18 ग्राम के आसपास का हमको इसमें प्रोटीन्स मिल रहा है और 13 ग्राम्स का इसमें हमें फाइबर मिला। चलिए अब अगर मैं बात करूँ इवनिंग टाइम की, यानी 4:30 बजे भूख लगती है, तो इस मोमेंट में आप चाहें तो 200 ग्राम के आसपास का आप अमरूद ले सकते हैं, या तो 300 ग्राम के आसपास का आप वाटरमेलन भी अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं डिनर की, तो डिनर में हम लेंगे हाई प्रोटीन ओट सैंडविच। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1/4 कप फुल रोल्ड ओट्स ले रही हूँ, ये नियरली 40 ग्राम्स के आसपास हमको लेना होगा। और अभी हम रोल ओट्स का पाउडर बनाएंगे, तो इसे जस्ट मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ऐड किया है और इसका इस तरीके से पाउडर बना लिया। इस पाउडर को अभी मैंने एक बाउल में ऐड किया है। अब हम इसमें कुछ सब्जियां ऐड करेंगे, तो चॉपर में मैंने सबसे पहले तो यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 3 कलियाँ मैं यहाँ पर
लहसुन की ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स। साथ में मिर्ची हमें अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर लेना है। थोड़ा सा हमें इसमें धनिया पत्ती ऐड करना है और इसको इस तरीके से फाइनली चॉप कर लेना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप कोशिश करिएगा कि सब्जियों को जितना अच्छे से चॉप कर पाएंगे उतना अच्छा है। मैं जो चॉपर यूज़ कर रही हूँ, अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। हमें सब्जियों को कुछ इस तरीके से फाइनली चॉप कर लेना है। इन सारी सब्जियों को अभी मैं ओट्स के पाउडर में ऐड कर रही हूँ। ऊपर से थोड़ा सा हमें नमक ऐड करना है, थोड़ा सा हल्दी ऐड करना है और नियरली 1/4 कप का इसमें हमें पानी ऐड करना है। अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए, ढककर एक 5 से लेकर 7 मिनट तक हमको इसे साइड में रख देना है। तवे को भी मैं यहाँ पे गर्म कर ली हूँ, थोड़ा सा तेल लगा कर इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया। बैटर जो देखेंगे ना, ये थोड़ा सा थिक हो जाता है क्योंकि ओट्स जो है ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रेंड्स। सो अगेन मैं इसमें 1/4 कप का पानी ऐड कर रही हूँ, तो टोटल मैंने 1/2 कप का पानी ऐड किया है। अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए और बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए। अभी इस बैटर को मैं तवे पे स्प्रेड कर दे रही हूँ। पूरा हम एक बड़ा सा इससे एक्चुअली चीला टाइप का बना लेंगे और इसे अभी हमें दोनों साइड अच्छे से पहले कुक कर लेना है फ्रेंड्स। ऊपर से तेल घी हमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये इस प्रकार से कुक हो जाएगा ना, तो फिर मैं यहाँ पे 50 ग्राम्स का पनीर ले रही हूँ। उसमें थोड़ा सा मैंने इसमें अजवाइन ऐड किया है और हल्का सा नमक ऐड करना है। अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए और जब हमारा जो ओट्स का जो चीला है ये प्रॉपरली कुक हो जाएगा, दूसरे साइड हमें इसे पलटा कर ये जो हमने पनीर का जो मिक्सचर रेडी किया हुआ है, ये पनीर के मिक्सचर को हमको इसके ऊपर स्प्रेड करना है और इस ओट्स के चीले को हमको इस तरीके से फोल्ड करना है। प्रेस करके दोनों साइड इसे अभी हमें अच्छे से प्रेस करते हुए कुक करना है फ्रेंड्स। सो हमारा एक हाई प्रोटीन ओट सैंडविच जो है ये बनकर रेडी है। इसे मैंने 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। इसके साथ में हम अचार ले सकते हैं या फिर चाहे तो आप थोड़ा सा दही भी ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस पूरे दिन भर के डाइट प्लान में हमें कैलोरीज 1028 कैलोरीज मिलती हैं और प्रोटीन की बात करूँ तो 55 ग्राम्स का प्रोटीन मिल रहा है। काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स हैं। कार्बोहाइड्रेट ओनली 135 ग्राम्स हैं। फैट 27.4 ग्राम्स मिल रहा है और फाइबर हमें 45 ग्राम्स मिल रहा है। मैंने बहुत सारे आप सभी के साथ हाई प्रोटीन रेसिपीज़ भी शेयर किए हुए हैं और भी मैं शेयर कर रही हूँ। सो आप इन वीडियोस को भी चेक करिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू रेसिपीज़ और डाइट प्लान्स को अपलोड करूँगी उस आपको उन सारी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय।